चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पहली बार वो स्टेट गेस्ट के तौर पर अमेरिका पहुंचने वाले हैं। स्टेट डिनर उन्हें जो और जिल बाइडेन देने वाले हैं। खास बात यह है कि 4 साल के अपने कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ मेहमानों को ही इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर स्टेट गेस्ट के तौर पर जा रहे हैं और पर्सनल डिनर प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी होस्ट करने वाली हैं। नजर इस बात पर भी है कि कौन से दिलचस्प और बड़े रक्षा सौदे दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि चीन को देखते हुए अमेरिका और भारत का करीब आना, दोनों रिश्तों का और मजबूत होने पर पूरे विश्व की नजर इस वक्त टिकी हुई है। क्या मिलेगा हिंदुस्तान को? यही समय है, सही समय। This is India's moment. कुछ घंटों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर देश में होंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में जोरदार तैयारी है। वहां बसे हिंदुस्तानी उत्साहित हैं। पूरी दुनिया ने भी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर नजरें टिका रखी है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती ग्लोबल पॉलिटिक्स को क्या दिशा देगी। सवाल ये भी कि क्या भारत के कद की अनदेखी की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, भारत विश्व राजनीति में भूमिका निभा रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है। आज दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, थिंकर्स सभी कहते हैं कि ये, और एक स्वर में कहते हैं, इट इज इंडियास मोमेंट। भारत के रुतबे में 4 चांद लगाने की एक बड़ी वजह अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद है। हिंदुस्तान इस वक्त सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसीलिए दुनिया हिंदुस्तान की तरफ सम्मान की नजर से देख रही है और अमेरिका दोस्ती की नई कहानी लिखने को बेताब है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के नेताओं में एक दूसरे के प्रति अभूतपूर्व विश्वास पैदा हुआ है। भारत एक बड़ी और महती भूमिका निभाने की योग्यता रखता है। हम भारत को किसी अन्य देश के पिछलग्गू के रूप में नहीं देखते, हम भारत को दुनिया में उसकी सही जगह पाते देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की छवि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, छवि को निखारने का काम किया है, और जब जब विदेश के दौरे पर जाते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपका स्वागत जो अमेरिका में होगा इन्हीं पूर्व प्रधानमंत्रियों के कर्मों से होगा, इनके अच्छे रिश्ते से होगा, इनके अच्छे नीतियों से होगा। इनमें किसी प्रधानमंत्री ने जाके वहां ये नारा नहीं लगाया था, अगली सरकार ट्रंप सरकार, आपकी मत करिए। अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में विश्वास रखता है। भारत किसी भी मतभेद और विवाद के कानूनी और शांतिपूर्ण हल का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और समर्पित भी है। अमेरिकी दौरे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मुद्दा भी अहम रह सकता है, जिस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि भारत शांति के साथ है। अमेरिका रवाना होने से पहले भी उन्होंने रूस को साफ साफ संदेश दिया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा इस बार बहुत खास है, जिसमें भारत लड़ाकू जेट विमानों के इंजन भारत में निर्मित करने का सौदा भी कर सकता है। भारत अमेरिका से ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रीडेटर ड्रोन भी खरीद सकता है। पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है उन्हें ऐसे ऑनर से नवाजा जा रहा है। स्टेट विजिट और स्टेट डिनर जो है, आप जानती हैं कि बहुत ही अमेरिका अपने बहुत ही जो क्लोज एलाइज और पार्टनर्स हैं उनके लिए ही रिजर्व रखता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये भी दर्शाता है कि जो यूएस इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो किस स्तर पर अब है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हासिल होने की उम्मीद है।
इसलिए रूस से लेकर चीन की नजरें इस पर लगी है। आज तक विरोध।